नमस्कार, मैं रीनु कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते हुए बता दें, रामनगरी की गरिमा के अनुरूप अयोध्या धाम जंक्शन का नया भवन मंदिर के स्वरूप में बनकर तैयार है। रात में रंग बिरंगी रोशन के बीच इस रेलवे स्टेशन की छटा देखते ही बनती है। आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नवीन भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी अवसर पर वह वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी भी दिखाएंगे। दूसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, कोहरे के कारण पिलाना डिकोली संपर्क मार्ग पर रोशनगढ़ गांव के गेट के समीप बीती रात रसोई गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी बेटी घायल हुई है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। तीसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, IAS ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सिकंदराबाद प्रफुल्ल शर्मा को देर रात सूचना मिली कि ग्राम तलबपुर उर्फ कनकपुर में JCB द्वारा अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है। सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार बालेंद्र भूषण वर्मा अपने वाहनों में टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सरकारी गाड़ियों को देखते ही खनन माफिया फरार होने लगे। अधिकारियों ने जब पीछा किया तो रास्ता रोक कर उनके साथ मारपीट की गई। चौथी खबर की ओर चलते बता दें, योगी सरकार ने FDI पॉलिसी 2023 के तहत अशोक लीलैंड लिमिटेड को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए फंड एंड भूमि सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति दे दी है। कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हुए सक्षम प्राधिकरण ने परियोजना को FDI नीति 2023 के प्रावधानों के अनुसार फंड एंड भूमि सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र पाया है। आखिरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, डिलीवरी की जगह डाक पत्र कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया है। इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिसरक गांव में एक कबाड़ी की दुकान का बताया जा रहा है। लोगों का दावा है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर 1 बिसरक गांव स्थित पोस्ट ऑफिस में तैनात डाकिये ने वितरण के बजाय डाक पत्र कबाड़ी को बेच दिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी के लोगों ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अपनी नाराजगी जताई है। ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज़। नमस्कार।